स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इट इज आस्क्ड इन 2014. दैट इज NiCl4 टू नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक. ठीक है, एंड NiCO4 इज डायमैग्नेटिक. ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया बेटे कि NaCl4 2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है और नीचे वाला जो है वो डायमैग्नेटिक है, मगर दोनों ही ये टेट्राहाइड्रल है. ठीक है, दोनों ही टेट्राहाइड्रल है. दोनों मींस SP3 हाइब्रिडाइज्ड है. दिस बोथ आर SP3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, देखा जाए बेटे हम टू टाइप के कॉम्प्लेक्स करेंगे. वन इज कॉम्प्लेक्स विच इज नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड वन इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग विल्ड लिगेंड है, जैसे कि कार्बेनाइल. जब आप हेलोजन्स की या वाटर की बात करोगे ना, वो आउटर बनाएंगे. जब मैं बात करूंगी अमोनिया की, साइनाइड की, CO की, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. मगर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक, मगर बोथ ऑफ दिस कंपाउंड आर टेट्राहाइड्रल. अब इससे आपको कॉम्प्लेक्सेस भी समझ आ जाएंगे कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बेटे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, और साथ में आपको वेरियस क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे कैसे पूछे जाते हैं. अब देखो ये स्टार्ट कैसे करते हैं. ठीक है, आपके पास बेटे निकल Cl4 2 नेगेटिव है. इसका मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसमें इसलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आया. अब ग्राउंड स्टेट में निकल की, हमने VBT का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब हमने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, हमने अंदर वाले की नहीं करनी. इसका मतलब हमने 3D4S की बात करनी है. अब निकल जब ग्राउंड स्टेट में है, दैट इज 3D8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, दिस इज 8 एंड दिस इज 4s2, दिस इज 3d8. आपने क्वेश्चन जब करके आने बेटे, यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग, कि ग्राउंड स्टेट लिखोगे दैट इज 3d8 4s2. नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट मींस जब ये बॉन्डिंग चला गया, तो हमने क्या निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर निकल का 2+. इसका मतलब s में से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द s. तो इसमें किसमें रह गए, सिर्फ 3d8 में. किसमें रह गए बेटे, 3d8 में ही रह गए. गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रही है. अब जब 3d8 में ही इलेक्ट्रॉन रह गए, और क्लोरीन जितने भी हैलोजन्स हैं वो एक वीक फील्ड लिगेंड है. देखो बेटे टू टाइप्स ऑफ लिगेंड है, वन इज वीक, वन इज स्ट्रॉन्ग. वी क्या करते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं. अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता ना, जैसे कि CO, यहाँ पे Cl की जगह पे C होता, CO तो चलो अभी उसकी ऑक्सीजन जीरो होती है, यहाँ पे CN होता मान लो, तो CN ने क्या करवाना था, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो अनपेयर्ड पड़े ना, इनकी पेयरिंग करवा देनी थी. वो अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाते हैं कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े ना, उनको पेयर्ड अप कर देते हैं. अब ये होता है वीक फील्ड, ये पेयरिंग नहीं करवाता. अब पेयरिंग करवाई नहीं है, निकल 2+ में है. अब 4 क्लोरीन लगने, देयर आर 4 क्लोरीन. तो ये जो आउटर 4s है और आउटर 4p है, ये वेकेंट पड़ा है. ठीक है,
इस आउटर 4s और 4p में ये जो 4 क्लोरीन है वो क्या देंगे अपने इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और एक पियर इलेक्ट्रॉन का देंगे, जैसे क्लोरीन इज पियर। ठीक है, तो हाउ मेनी क्लोरीन आर गिविंग, दे आर गिविंग 4, और किन में इलेक्ट्रॉन दिए, एस और पी में, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चलेगी, sp3। तो sp3 जब गए तो द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहाइड्रल। ठीक है, ये याद रखो बेटे, sp3 इज टेट्राहाइड्रल, dsp2 इज स्क्वेयर प्लेनर, एंड चाहे sp3d है चाहे dsp3 है तो वो ऑक्टाहाइड्रल है। ऑक्टाहाइड्रल कब बनेगा, जब 6 लिगेंड होगी। sp3 या dsp2 कब बनेगा, जब देयर आर 4 लिगेंड, और इसमें से ये टेट्राहाइड्रल है और ये स्क्वेयर प्लेनर है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जब क्लोरीन निकल के साथ लगा है, मींस टेट्रा क्लोराइडो निकलेट का कॉम्प्लेक्स है, तो निकल के ऑक्सीजन स्टेट किया 2+, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में से गए हैं, ये एस में से गए हैं, क्योंकि क्लोरीन एक वीक फील्ड लेगेंट है, ये पेयरिंग नहीं करवा पाया, ये पेयरिंग नहीं करवा पाया, ये अनपेयर्ड ही रह गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई दे आर पैरामैग्नेटिक। Why this complex is paramagnetic? Because it is having unpaired electron in 3D. And why this complex is tetrahedral? Because chlorine is a weak field ligand. It can't do the pairing in d orbital. And thus, while forming a coordinate bond, it will use outer s and outer p. That is sp3 hybridization. And thus forming tetrahedral complex. गॉट द पॉइंट बेटे? यस, यू ऑल आर देयर? हाँ जी, मानसी, तुषार, मान्या, वंशिका, वंशिका इज देयर, तुषार इज देयर, ऑल आर देयर। ठीक है, अब लेट मी टॉक अबाउट द अदर कॉम्प्लेक्स। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, निकल सीओ यहाँ पे, वेट। ठीक है, ओके, अब ये क्या है, सीओ, सीओ क्या होता है बेटे, कार्बन आयल। ठीक है, जब CO लगा होता है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 0 ही होती है, वो लूज नहीं करता इलेक्ट्रॉन। मींस इस केस में ये 0 ही है, इस केस में इसमें इलेक्ट्रॉन 3d8 है, और 4s2 है। ठीक है, दिस 3d8 4s2, ओके। अब दिस सीओ इज वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये कम नहीं है, इट इज वेरी मच हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट हैज टेंडेंसी टू पेयर द इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट अस सी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, दीज 2 इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन दिस डी ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट कॉजेज पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली डी ऑल्सो एस, ये जो 2 एस के हैं वो कहाँ चले जाएंगे, इसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं बेटे, इट विल बिकम 3d10। ठीक है, इट इज बिकमिंग 3d10। Now it is becoming 3d10. You have vacant 4s and you are vacant 4p. This 4s and this 4p is vacant now. And this, in this 4s and in this 4p,
दीज फोर कार्बेनाइल विल डोनेट इलेक्ट्रॉन. Forming a coordinate bond. ठीक है, समझ आई बेटे? Again, this carbonyl is very much strong free ligand, and in presence of this CO, the oxidation state of the central metal atom remains zero, not the positive, not the negative, it will be zero only. ठीक है? मीन्स अगर इसके पास 3D8 4S2 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी 3D8 4S2 होगी, मगर क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसने क्या करना है, ये एस के इलेक्ट्रॉन भी डी में पेयर्ड करवा देना, तो ये 3D10 बन जाएगा, इट विल बिकम 3D10. अब क्योंकि इसकी पेयरिंग होगी, डी में कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचा, तो इट विल बी डायमैग्नेटिक. And as again the ligand is using outer s and 3p, तो hybridization क्या हो जाएगी? sp3. ठीक है, the hybridization will be sp3, and when the hybridization is sp3, the complex is tetrahedral. The complex is tetrahedral. So got the point? Yes, you all are there. यस बेटे, मानसी, म्यंग, तुषार, मान्या, वंशिका, लक्ष्य, मान्य, मानसी, वंशिका, ओके. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT अगेन, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, ये सारे मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ले रही हूँ बेटे. On Monday, I will take octahedral complexes and I am clearing your questions also. Okay? Explain the basis of VBT that this complex, that is tetracyanidonucleate complex, is square planar. And the complex we have studied now, which is this. Is tetrahedral. We have already done why it is tetrahedral, because it is using outer S or P3, and chlorine is a weak field ligand and it can't do the pairing. Now talking about this complex. नीचे वाला भी हमने किया, कैसे आया टेट्राहेड्रल हमने देख लिया. नाउ लेट अस सी दिस अगेन बेटे. निकल इन द ग्राउंड स्टेट इट इज 3D8 4S2. अगेन ये आप कर लोगे, तो पहले सबसे पहले आपने ग्राउंड स्टेट लिख लेनी है इसकी. ठीक है, दिस यू हैव ऑलरेडी डन. देन इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर द अपर कॉम्प्लेक्स इज निकल इज इन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. Okay, nickel is in 2 positive oxidation state. Now it will be 3D8 and 4S2 is gone. And no electron is present in the 4S. Okay. 4S में चला गया. एक्साइटेड स्टेट क्या है? निकल 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं. अब साइनाइड बेटे, साइनाइड या अमोनिया या कार्बेनाइल बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो बारी बारी रिपीट होते एग्जाम में. रिमेम्बर साइनाइड, अमोनिया एंड CO. तो साइनाइड इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ये क्या करवा देगा बेटे? ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी करवा देगा पेयरिंग. तो ये जो अलग अलग पड़े हैं ना, जब ये अप्रोच करेगा तो ये इकट्ठे आ जाएंगे एक ही, और एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है, अब ये नेक्स्ट 4S है और इसके बाद बार क्या पड़ा? इसके 4P, और ये खुद क्या है? 3D. ठीक है, ये 3D क्या है? 8 है. अब कितने CN है बेटे?
देर आर फोर सी एन. जब फोर सी एन है तो इनके पास, इसके पास एक वेकेंट डी ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो इधर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर सी एन, एक इनर इसने डी यूज किया, एक एस में डोनेट कर देगा और दो पी यूज कर लेगा. तो इसने क्या यूज किया बेटे, डी एस पी टू. तो क्या यूज किया, डी एस पी टू. डी एस पी टू क्या होता है बेटे, स्क्वेयर प्लेनर. अब ये ज्योमेट्री ऐसे होती है, देखो निकल ऐसे सायनाइड लगा होता है ऐसे. और ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या था, ये कॉम्प्लेक्स था टेट्राहाइड्रल. ये कॉम्प्लेक्स था बेटे टेट्राहाइड्रल ऐसे. इसने कौन सी करी थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें sp3 थी और इसमें sp2 थी, dsp2. ठीक है, dsp2 क्यों, क्योंकि ये बेटे स्ट्रॉन्ग फील्ड है. आप बोलोगे एंड में, यू विल राइट लाइक दिस, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड दस कॉजिंग स्पियरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड दस वी हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन विच द साइनाइड कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दस द हाइब्रिडाइजेशन विल बी डी एस पी टू. ओके, in case of these the hybridization will be sp3. What the point, if the hybridization is sp3 then it is tetrahedral, if the hybridization is dsp2 it is square planar. Haan ji, any doubt? Yes. मानसी, तुषार, मान्या, वंशिका एंड लक्ष्य. वी आर प्रेजेंट. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, predict the number of unpaired electron in a square planar. You have this complex. These all questions which I am taking, bete, it is from the board exam itself and NCRT. Yes, they are asking you to predict the number of unpaired. यस बेटे, प्लैटिनम बिल्कुल निकल के नीचे होता है. तो इट इज, जैसे निकल क्या होता है, 3d8 4s2, तो ये क्या हो जाएगा, 5d8. ठीक है, जल्दी जल्दी निकालो. साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, देन आई विल राइट द अदर क्वेश्चन. ठीक है, इट इज 5d8 4s2 in the ground state. ठीक है, तो ये प्लेटिनम है ग्राउंड स्टेट में. अब पहले मैं एक्साइटेड लिख देती हूँ आपके लिए, आई विल राइट एक्साइटेड. ठीक है, अब एक्साइटेड में कितने, इसकी क्या वैलेंसी हो जाएगी बेटे, no it is tetrahedral, write down 4, no find out according to tetrahedral, find out. Yes, plus 4 minus 4 minus 2 plus 2, it yahan se hi electron chale jayenge. So again you will get 5d8. 5d8 excited में बेटे 5d8 हो जाएंगे. अब साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अगेन. और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करवा देगा, पेयर. जब ये पेयरिंग करवा देगा तो आपके पास After pairing,
यू विल गेट ठीक है यू विल गेट इनर डीएमटी आउटर एस एंड देन पी ठीक है अरे 4s यहां पे 6s लिखो इट इज प्लैटिनम ठीक है इट इज 6s 6p एंड 5d सो यू हैव दीज एम्प्टी नाउ एज दीज आर एम्प्टी this is also empty this is also empty this is also empty now it is using inner d orbital and forming inner orbital complex as it is a strong field ligand so it is dsp2 and hence it is a square planar and having no electron unpaired All the electron we are seeing is a paired. So they are asking us to find out number of unpaired. All the electrons are paired with it. ठीक है? Now let us come to the octahedral complexes. Now questions regarding octahedral complexes. ठीक है? The first question is hexa aqua iron. That is this one आपने टोटल पूरा करके दिखाना है इज अ पैरा मैग्नेटिक ठीक है एंड हेक्साइनाइडो रेट That is this one. It is weakly paramagnetic. Both are. This is strongly. They have written. Written there is weakly paramagnetic. Means both are paramagnetic now. Remember, बेटे water is a weak field ligand and cyanide. जिसके साथ भी nitrogen लगा है. ये बारी बारी again I'm saying CO NH3. And CN, these three are strong field जिसमें से बारी बारी क्वेश्चन आते हैं और इन्होंने pairing करवा देनी है और you will get inner orbital complex. Water और चाहे आपके halogen है वो सारे जो है they are weak field ligand. They will not cause pairing. They will form outer orbital complex. ठीक है? They will all form outer orbital. Let us see now. चलो अब एक example देखते हैं दोनों देखते हैं अब iron क्या है iron In the ground state, iron क्या होती है बेटे You will write step by step in the exam also as it consists of step marking during the subjective paper. कोई 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ठीक है तो iron क्या होती है Atomic number is 26 Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, then iron. It is 26 with 3d6 4s2. This is your ground state. ठीक है अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटे इसमें पॉजिटिव 3 ठीक है इसका मतलब आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो 1 इज इन दिस ये एक तो यहां से गया और दो यहां से गए सॉरी तो गए चले इट इज 4s2 थे अब ये अकेला 4s रह गया एंड इट विल बिकम 3d5 क्योंकि जो पेयर है बेटे वो जाएगा द पेयर व्हेन व्हेन गो
paired one will go and it is 3d5. Got it? A water hai. Water is a weak field ligand. Aqua is a weak field ligand. Isne pairing nahi karwani. इसने पेयरिंग नहीं करवानी. अब सिक्स वाटर लगाने हैं तो बेटे ये आउटर पी और आउटर डी यूज करेंगे. इट विल यूज आउटर पी एंड आउटर डी. सारे के सारे अनपेयर्ड रह जाएंगे इस केस में. फोर एस फोर पी फोर डी. और इसमें वन वाटर इसमें देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हियर 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 हियर. ये कॉम्प्लेक्स क्या बना? ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? एस P3D2. ठीक है, तो ये आउटर ऑर्बिटल. ये इसने इनर डी नहीं यूज किया, इसने आउटर यूज किया है डी. तो इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जब ये आउटर डी ऑर्बिटल यूज करते हैं बेटे, दैट इज नोन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और ये आउटर कब यूज करते हैं? जब आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जब आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? एस पी थ्री डी टू एंड द कॉम्प्लेक्स विल बी अगेन ऑक्टाहाइड्रल. ठीक है, द कॉम्प्लेक्स विल बी ऑक्टाहाइड्रल. ओके, और इट विल बी स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट इज यूजिंग आउटर डी ऑर्बिटल नॉट द इनर वन एंड इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो गेटिंग द पॉइंट बेटे? यस, गेटिंग द पॉइंट? मानसी, तुषार, मान्या, वंशिका, लवण्या एंड मानविया. यस, तुषार इज ऑलवेज फर्स्ट वन. ठीक है, अब सेकंड था हमारा आयरन के साथ लगा था सायानाइड आई थी. यस, ठीक है, तो जब सायानाइड लगा है तो इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक, है ना? इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक, हमने ये बताना है. अब वीकली पैरामैग्नेटिक है तो इसकी प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट है. वही ग्राउंड स्टेट लिखोगे तो फिर प्लस थ्री के अकॉर्डिंगली लिखोगे तो ये क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक, अब ये S है और ये P है. S इसका खाली हो चुका है. अब क्योंकि ये सायानाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटे, ये पेयरिंग करवा देगा. अब देखो, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करो. हम पहले पेयर करते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके पेयर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके पेयर हो गया और ये एक अनपेयर्ड बच गया और ये दो एम्प्टी हो गए. ये दीज टू आर एम्प्टी. ठीक है, दीज टू आर एम्प्टी. ठीक, अब आपके पास इनर डी एम्प्टी है, एक एस एम्प्टी है और थ्री पी. तो ये 4s है, ये 4p है. ठीक है, अब इस इनर d में ये इलेक्ट्रॉन देंगे सायानाइड. ठीक है, अब इसने दे दिया तो इसने क्या यूज किया बेटे? ना डी एस डी टू एस पी थ्री. अगेन इट इज ऑल्सो ऑक्टाहाइड्रल इन विच इट इज फॉर्मिंग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. व्हाई? बिकॉज सायानाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड.
Now, why it is weakly paramagnetic? As strong field ligand has paired the d electron, you have only one unpaired in this complex. And in the previous complex, we are having five unpaired. आपने एग्जाम में अकेला लिख के नहीं आना होता बेटे. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग. ओके, एनी डाउट? टाइम इज अप. यस बेटे, तो ऐसे